Assalamu alaikum, my name is ABid and ABdullah. And I am Abdullah. And you are watching AB Squared. My relationship is Pakistan. And I am India. And we both live in Canada. Mississauga. Yes. Every week we meet and you know we chat about things, we discuss different topics. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी नजरों से भी गुजरती होंगी, हमारी नजरों से भी गुजरती हैं, और उसके बारे में हम यू नो बातें करते हैं. और आज की जो बात है उस पे आ गए. अच्छा अच्छा, वो सब पता है लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल. तो चलें फिर आज देखते हैं कि आज हम कौन सी इंटरेस्टिंग बात पे आज कौन सी इंटरेस्टिंग बात टॉपिक्स पर हम बात करेंगे. कहा था कि तुम कुछ बताने वाले थे मुझे, कुछ इंटरेस्टिंग तुमने इंटरेस्टिंग कुछ बात जो है फिगर आउट की है सबसे. भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आज की हुई है ना, उसके लिए रुकना पड़ेगा. नहीं होगा जाना, फुल अटेंशन देनी पड़ेगी. अच्छा रुक गया गेम. चलो बताओ, पहले आप ये बताइए. हाँ. कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बल्कि सबसे कम डिवोर्सेस जो हैं वो किस मुल्क में होते हैं? सबसे कम डिवोर्सेस किस मुल्क में होते हैं? आप बताइए, गैस करें. सबसे कम शायद किसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होती होंगी, लाइक फिनलैंड या स्वीडन. सबसे कम नंबर वन पे कौन है जिस मुल्क में सबसे ज्यादा कम डिवोर्स, सबसे कम तलाकियां होती हैं? हाँ तो मेरे ख्याल से कैसे नहीं है, गलत है. सबसे कम तलाकें जो होती है ना वो इंडिया में होती है. नहीं वाकई? हाँ भाई. हाँ ये तो वहां शादियां नहीं होती. शादियां शादियां होती हैं. अच्छा उसके बड़े सबसे बड़ा रीजन जो पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है, और हिंदुज़म में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं. लाइक इन द रिलीजन नहीं होता है, बट इन द रिलीजन देयर इज नो कॉन्सेप्ट. वो आप कोर्ट में जाके कर लें जो कर लें. बेसिकली व्हाट दे बिलीव इज व्हेन आई रेड अपॉन इट, तो उनका सिलसिला ये है कि रिलीजन में कोई नहीं है. व्हाट एवर द लॉ ऑफ द लैंड इज, कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं जहां पे जो भी लैंड है. बताओ तुमको ये खबर मिली कहां से? ये किसकी सोर्स है? भाई सोर्स है, अभी बताएंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे. हाँ. आप वहां पे जाके देखिएगा. तो एक तो ये असल में इंटरेस्टिंग पता क्या है, वो इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं. तो ग्लोबली 1960 से लेकर 2018 तक जो कह लें कि आप रेट ऑफ मैरिजेस और रेट ऑफ डिवोर्स है वो क्या रहा है. तो 1960 में अगर 10 शादियां होती थी तो ग्लोबली तो 2018 में 5 शादियां हो रही हैं. अच्छा वैसे ओवरऑल 50% कम हो गया ओवरऑल वैसे. और जो डिवोर्स का रेट था. हाँ. वो अगर पहले 4 तलाकें होती थी तो अब 8 तलाकें होती. हाँ ठीक है, डबल हो रहा है. ठीक है तो इंडिया में नहीं हुआ? लेकिन नहीं, इंडिया में भी हो रहा है. हाँ. मगर जब सबका पूरा काउंट किया गया तो सबसे जो कम डिवोर्स रेट था वो इंडिया में था, और सबसे ज्यादा कहां पता चला गया? यहाँ पे शायद क्लोज सबसे ज्यादा तो यूएस होगा. सबसे ज्यादा यूएस नहीं है एक्चुअली, सबसे ज्यादा है लग्जमबर्ग. अच्छा लग्जमबर्ग जो है वो यूरोपियन आई थिंक कंट्री है. नहीं लग्जमबर्ग यूरोपियन नहीं है, मेरे ख्याल से एक साउथ अफ्रीका के बिल्कुल बीच में, लाइक उसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है. आई थिंक वही है, लोगों में चेक करके चलो देख लेंगे, अभी देख लेंगे. तो अच्छा लग्जमबर्ग एक और सिलसिला है कि वहां पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो है अराउंड 600,000. अच्छा तो कम है. और वहां जो डिवोर्स रेट है ना वो पता क्या है? 81% का मतलब हो गया कि 1 in every नहीं 10 लोगों की शादियां होती हैं तो 8 लोग तो भाई ये सीन था. एक तो खैर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई केम अक्रॉस दिस, मैं कोई सर्च नहीं कर रहा था, डोंट गेट एनी रॉन्ग आइडियाज. ये बेगम भाई बता देना मैं क्या गूगल कर रहा हूं. मेरे माइंड में यही सवाल आ रहा था कि ऑफ ऑल थिंग्स आदमी अगर बैठता है गूगल पे कुछ ढूंढने के लिए तो यही टॉपिक क्यों माइंड में आया? अरे भाई देखें गूगल एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी सर्च करें ना तो आप भटकते भटकते कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं. तो मैं एक्चुअली सर्च नहीं कर रहा था, ये आपस की बात है भाई, देख लो गवार है ना. मैं कुछ और सर्च कर रहा था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जो सबसे ज्यादा शादियां होती हैं वो कहां होती हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक में शादियां कैसे होती हैं. तुम ये देख रहे थे? मैंने सबसे ज्यादा दूसरी शादी कहां होती है? ऐसा कोई नहीं है भाई. अच्छा खैर एक और चीज इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे ज्यादा मतलब क्या वजह होती होगी
जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है। पैसा, पैसा, पैसा मिला, पैसे के चक्कर में, पैसे चक्कर में जा रही है, या पैसा नहीं, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती होगी दोनों हस्बैंड वाइफ में, उसके वजह से शायद वो चीट करते होंगे। यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 24 या 25% जो होता है वो उस वजह से होता है कि या तो हजरत ढीले कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर होता है उनका, या बेगम का कैरेक्टर ढीला होता है, इस वजह से होती है 25%, यानी कि एक में से चार में से एक। तो ये दुनिया का बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया का बता रहे हैं सबका, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, तुम इंडिया की जो बात कर रहे थे, मैं इंडियन हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात भी है कि कम होता है वहाँ पे डिवोर्स, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इंडिया का ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता हो। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो होता होगा ना, क्योंकि उनके रिलीजन में तो है नहीं, तो अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आपको कोर्ट ही जाना है, तो दो लोग म्यूचुअली डिसाइड करके अलग हो जाते होंगे। हाँ हो सकता है ये होता होगा ना, वो ऑफिशियली जो है वो कोर्ट नहीं जाते होंगे, ऑफिशियली जो है डिवोर्स नहीं फाइल करते होंगे, लेकिन हाँ ये ऐसा है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो अपनी घर चली गई वाइफ, हाँ नाराज हो गया और वो तुम नहीं शक्ल नहीं देखना, हाँ जो और ये जैसा होता है, तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये यही हुआ है। और सकता है एक सेकंड गेम जो है पास मेरे पास फोटो है बोल। अच्छा जी तो अब्दुल्ला आप क्या, what interesting thing you came across this week? अरे मैं देख रहा था ये आर्टिकल, क्या I came across this article, हाँ इसमें ये था क्या कि वो कुछ ऐसी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं, हाँ जो लोग जो इन जनरल लोगों को आती हैं, जो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें से क्या है कुछ चीजें कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को नहीं आती। अच्छा हाँ। पूछे देखते तो, हैं हमें आती कि नहीं आती, तो मैं इसमें आपका टेस्ट लेता हूँ, लीजिए इसमें पूरी लिस्ट है एक एक करके, तो देखते हैं क्या आपको ये चीजें आती है, और मैं भी ये फिर ये बताऊंगा कि इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है प्रॉब्लम, ऑलराइट ठीक है, लेकिन ये है बहुत ही कॉमन चीज है और एवरीडे लाइफ की चीजें हैं ये, ऑलराइट लेट्स सी। सबसे पहले है जब हम दवा खाते हैं, हाँ। कोई पिल होती है उसको स्वॉलो करना, अरे भैया बहुत मुश्किल काम है यार, ये गोली खाना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, मतलब मेरे साथ तो सीन ये है कि आप मुझे इंजेक्शन लगा, आपको जितने इंजेक्शन लगाए ना मेरे साथ ये होती है प्रॉब्लम, मैं तू भी नहीं करूंगा, और मेरे साथ बहुत ज्यादा होती है प्रॉब्लम क्या, गोली खाने वाली, गोली खाने वाली। अच्छा मैं तो निकाल देता हूँ अच्छा नहीं ये वो वाली दूसरे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरी, बस मेरी ये कि अगर किसी को शायद एक गिलास पानी लगता होगा तो मुझे चार गिलास पानी लगता है, छोटी सी टैबलेट उतारने में पता नहीं कहीं फंस जाती है, वो अंदर जाती नहीं है, उतरती नहीं है फॉर सम रीजन। अच्छा मैंने पता क्या, मैंने जब एनालाइज किया कि यार ये सर ऐसा क्यों होता है, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, मसला ये है कि तुम जो दवा जो है ना बिल्कुल हलक में रख के आते हो करके अंदर, बहुत से लोग फॉर एग्जांपल भाई हमारी भाइयों में वो दवा खाती हैं, यहाँ रखती हैं बिल्कुल यहाँ पे रखी हुए हैं और पानी पे लिया खत्म बात, ठीक है बड़े सुकून से, आप फिल्मों में भी देखते होंगे लोग बड़े मजे से पेल खा रहे हैं, मेरे साथ तो ये कि जब तक मैं हलक तक ना रखूं तो उतरती नहीं है, यही मसला है, सामने रख के नहीं तो चार गिलास पानी लग जाता, यही तो मसला है, अब जब हलक तक रखते जाओ तो आधा काम तो वहीं हो जाता, और उसके बाद अगर जल्दी से पानी ना मिले या अगर कुछ और मसला हो जाए तो चलो कोई बात नहीं। खैर आप बताइएगा भाई आपको दवा खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज जिसमें है लिस्ट में वो है डायरेक्शंस, काफी लोगों को रोड सेंस नहीं होता, और मेरे इस तरह के कई दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको बिल्कुल रोड सेंस नहीं है, जो जीपीएस के बगैर नहीं जा सकते कहीं, गूगल मैप्स पे चलना है बात थोड़ी है, पिछली गली में जाना होगा तो गूगल मैप्स खोलेंगे, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम? मेरे साथ इतना कॉमनली नहीं है, मगर हाँ ये है कि अगर मैं बहुत ही अरसे के बाद अगर कहीं जगह जाऊं और वहां कुछ मेजर जो आपके लैंडमार्क्स होते हैं ना वो अगर चेंज हो चुके हों, तो फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ 401 पर अगर कभी कुछ बन रहा हो या अगर कहीं से आ रहे हो और आपको कोई और रूट लेना पड़े तो हाँ कभी कभी प्रॉब्लम होता है भाई, मगर ऑन अ नॉर्मल रूटीन डे ऐसा मसला कुछ। आई थिंक हम लोगों को शायद कुछ आदत भी हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तब भी कभी कभी आदतन जो है आप लगा लेते हैं जीपीएस के, चलो वॉइस सही बता देगा, हाँ वो फिर वन लेस थिंग टू रिमेम्बर। और दूसरी बात ये गूगल मैप तो लाइक व्हाट आई पर्सनली यूज फॉर गूगल मैप्स का सीन ये होता है कि अगर एक तो आप डायरेक्शन के लिए तो कर रहे हैं बट आई एक्चुअली यूज इट फॉर ट्रैफिक अलर्ट्स एंड ऑल दैट, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि यार रोड बंद है कि नहीं है, क्योंकि हर अगर रात को कभी निकल रहे हैं
4-1 का लेन बंद है या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। नहीं तो उसके लिए तो गूगल मैप से बेटर तो मुझे लगती है जो ऐप है उनकी वेज जो ऐप है। हाँ, वेज बहुत अच्छी ऐप है, उसको ट्राई करें, बिल्कुल फ्री है। ओके। और उसमें क्या है कि लाइव अपडेट करते हैं लोग, और कौन कर रहा होता है अपडेट, जो ड्राइवर है रोड पे वो खुद ही अपडेट कर रहे होते हैं। नाइस। राइट, तो मैं अगर जैसे आपसे आगे चल रहा हूँ, मेरे पास वेज है, तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, या यहाँ पे कॉप की गाड़ी है, या यहाँ पे ब्लॉकेज है, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कुछ है। मैं ये क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक वेज का कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो पॉइंट्स देता है, और उस पॉइंट से फिर आप कुछ कुछ रिडीम कर सकते हैं। एग्जैक्ट उसकी क्या है स्पेसिफिकेशंस वो तो देखना पड़ेगा। cool. लेकिन तो इसलिए लोग कर रहे होते हैं अपडेट। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया, पिन हो गया, और क्या चीज है भाई? लोगों के नाम नहीं याद रहते लोगों को, मुझे नाम याद रहते, मुझे बल्कि नहीं याद है, बात सही है किसी हद तक। आई रिमेम्बर पीपल बाय देयर फेसेस, मगर मुझे नाम याद नहीं। मैं कहीं जाऊंगा ना यार, आई नो यू कौन है, आप कहाँ मुलाकात हुई थी, कुछ हुआ था? वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ पे असल में जो बता रहे हैं कि मैंने जैसे अभी आपको अपना नाम बताया और पांच मिनट आप भूले, नहीं इतने भूलक कर लिया भाई, इतना तो याद रहता है। देखते हैं इनमें से कितनों लोगों को हम लोग का नाम याद हो सकता है। ये बात भी है, हम लोगों ने अपने नाम बताए तो देखते हैं, क्योंकि मेरे साथ ही होता है, मैं जब तक लिखूंगा नहीं आपका नाम, अगर मैं राइट नहीं करूंगा तब मैं भूल सकता हूँ आपका नाम। really? पांच मिनट में भूल जाऊंगा आपका नाम। नहीं याद, या तो आपको ऐसा बहुत कॉमन नाम हो जो मैं किसी चीज से कनेक्ट कर लूं, किसी मूवी के कैरेक्टर से, किसी गेम के कैरेक्टर से, या किसी दोस्त के नाम से, या रिलेटिव के नाम से अगर मैं कनेक्ट कर लूंगा तो मुझे याद आएगा, वरना मुझे लिखना पड़ता है। बादाम खाया करो भाई। अरे अब नेक्स्ट बलून फुला लेते हैं। बलून फुला तो लेते हैं, मगर फलून वो बनता नहीं, टाई नहीं होता, बांध नहीं सकते यार, ये तो सबसे बड़ा मसला है। और जब तक उसको टाई करने जाओ तो उसकी हवा निकल जाती है। हाँ, तो उड़ी जाती है यार, इसलिए आप फुला लेते हैं, फुला ही लेते हैं, बस टाई कर ले, टाई नहीं होता, यही सबसे बड़ा मसला है, टाई नहीं होता, फुलाने में क्या है, कोई ना माननी। नेक्स्ट है विसल, लाइव डैम हो जाते हैं यार। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार, आ तो रही है, नहीं आ रही है इसको विसल, मुझे वो आती नहीं आती, वो जो उंगली वही तो मेन तो वही है, वो होती बड़ी तेज है मगर मुझे आती नहीं है, मतलब स्टेडियम वगैरह में लोग मारते हैं, तो खैर। तो भाई ये था आज का हमारा एपिसोड, हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की, अब्दुल्ला ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई, आप बताइए कि इनमें से कौन सी चीजें आप कर सकते हैं और आपको बड़ी इजी लगती है करना, और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगती हो। नहीं अभी ऐसा है कि लिस्ट जो है ये पूरी नहीं है, इस लिस्ट नहीं है? में काफी चीजें हैं जो शायद हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करें आपसे। ऑलराइट, ओके, तो उसके लिए फिर इनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दे नो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। राइट, दिल होगा तो करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या कितना सब्सक्राइब करेंगे, 50 चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या क्या देखेंगे, यूट्यूब देख करेंगे क्या? चले फिर अब हम लोग अपने गेम पे वापस चलते हैं। आ जाओ भैया, जरा ले आओ अपने, जरा मैसिंग में तुम्हारा बताएं जरा क्या होता है, ठीक है ना? एंड वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।